ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट रहता है। अगर ये ऑप्शन इन केस सेलेक्ट, ये तीन ऑप्शन अगर नहीं दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कई कंप्यूटर में, कई जो क्लास ले रहा था, क्या होता है इसमें ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे, वो नीचे यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। अगर आप फिर ऊपर भी करेंगे तो भी नहीं होता। इन केस में आप एंटर बटन भी प्रेस कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पहले से सेलेक्ट है, तो ये फाइल वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले फाइल को सेव करने का ऑप्शन आएगा। ये सेव करने का ऑप्शन आ रहा है ना, यही लोकेशन है कि आपको अपनी फाइल को कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों का डेस्कटॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करवाया था, वो जो फाइल अब बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, डेस्कटॉप पे बनेगी। आगे किसी के लोकेशन पे किसी कोई डाउट है सर आपको? उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जो हमारी फाइल है वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए, सामने देखिए, हमने डेस्कटॉप का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, डेस्कटॉप पे 1, 2, 3 ये फाइल हमारी। यहाँ पे देखिए जो सॉफ्टवेयर है पीडीएफ अडोब रीडर का, ये सिंबल बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये शो करता है अगर आपके कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर अडोब रीडर नहीं है तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसीलिए आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जो अडोब रीडर है वो होना चाहिए, अगर आपको पीडीएफ की फाइल को रीड करना है तो। समझ में आ गया? क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से अडोब रीडर इंस्टॉल है, ये फाइल आपको इस तरीके का सिंबल दिखा देगा रेड कलर में, तो आप इससे पहचान सकते हो कि आपकी कौन सी फाइल पीडीएफ की है, कौन सी आपकी नॉर्मल फाइल है। जो हमारी नॉर्मल फाइल होती है वो आप यहाँ फाइल को देख के आप समझ जाओगे कि कौन सी नॉर्मल फाइल है, कौन सी पीडीएफ की फाइल है। उसमें बताते हैं आपने लिखा भी रहेगा पीडीएफ, किसी किसी में अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो इस तरीके से सिंबल बना रहेगा, ठीक है। अभी देखेंगे जब इसको ओपन करेंगे, दो तरीके से आप ओपन कर सकते, राइट क्लिक करके ओपन विद, अगर अलग मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ रीड करने के लिए, अडोब रीडर या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर है, तो आप ओपन विद से उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ओपन करोगे अगर अडोब रीडर है तो वो फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन विद अडोब रीडर 9 से ओपन कर रहा फाइल को, ये पीडीएफ में जो हमारी फाइल थी जो हमने बनाया था, ये हमारा पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। सभी सामने देखिए, ये हमारा पीडीएफ का फॉर्मेट है, पहले हमारे सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो इस तरीके से आपकी फाइल आएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ चाहते हैं कि इसको मैं मिटा दूँ या कुछ डिलीट कर दूँ या अलग से कुछ लिखूँ तो नहीं लिख पाओगे। पीडीएफ में ये फायदा होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ अन्य बात करके देखिए, कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ आप ऐड नहीं कर सकते। आगे समझ में? अच्छा, भी आप लोग डेस्कटॉप पे ही फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, मैं चेक करूंगा सबकी पीडीएफ की फाइल डेस्कटॉप पे सेव होनी चाहिए। विंडो 8 और विंडो 10 में विंडो 8 और विंडो 10 बाय डिफॉल्ट उनका रीडर पहले ही होता है, विंडो 10 और विंडो 8 अभी जिसको नहीं है समझ में वो पूछ सकता है।
सेव एंड करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में फाइल में बना रहे हैं, उसमें एक्सपोर्ट आपकी जगह फाइल में सेव करना है, आपकी जगह एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, वो लोगों ने बनाया है, जो बात नहीं करने को अब फाइलिंग देना है, फाइलिंग दे दी, अब यहाँ हम किधर कुछ नहीं करना, अभी और पेज इस पेज से लग रहे हैं, एक पेज करना है, पेज दो एक ज़्यादा, एक पेज करना तो हम यहाँ से अलग पेज उस लग रहे हैं, ये भी कार्य पेज है, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्सपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट नहीं करना, ये लोग ने एक्सपोर्ट कैंसिल कर दिया, एक्सपोर्ट भी नहीं करना। अब जो आपका फाइल है वो एक्सपोर्ट हो गया, ये तभी इसको उस फाइल को देखने के लिए पीडीएफ करना है, इस फाइल पे हम दोस्त करना है, यहाँ पर ना इसको रेडियो फाइल नहीं, यहाँ पर ये काम कैसे किया था, लैपटॉप किया था, तो आया ना हमें लैपटॉप जाना हमें बंद मत करो, इसे मिनिमाइज करो, चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं।
अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे वीडियो चला देता हूँ, मुझे शेयर नहीं मिला कुछ भी, आगे वीडियो देखते हैं। वीडियो देखें तो वीडियो उसको देखते हैं यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पेंट की कक्षा में बहुत कुछ सीखा होगा और आपने जो भी सीखा है उसका आप भविष्य में भी उपयोग करेंगे। अब आप सभी जो सीखेंगे वह ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा आप अपने बहुत से सॉफ्टवेयर को बस सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी एक प्रोग्रामर विंडो को बनाते समय प्रोग्रामिंग करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह वो सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें एक यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करके उपयोग कर सकता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम छू नहीं सकते, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ओपन ऑफिस .org क्या होता है? ओपन ऑफिस का उपयोग आप अपने किसी भी कार्य जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना हो, प्रोजेक्ट या ऑफिस की कौन पावर पॉइंट, MS एक्सेल इत्यादि। ठीक इसी प्रकार ओपन ऑफिस के अंदर भी बहुत से